substance. A magnet is a substance that attracts. आयरन एंड आयरन लाइक ऑब्जेक्ट. तो जो क्या करता है, आयरन और आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं. ठीक है ना. अब अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, पोल्स होते हैं. मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, पोल्स. जो बार मैग्नेट होता है, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इस तरीके का दिखता है. ठीक है ना. तो इसमें भी दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. ठीक है. तो पोल्स बेसिकली क्या होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ रीजन ऑन द मैग्नेट. इट इज अ रीजन ऑन द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइएस्ट. इट इज अ रीजन ऑन द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइएस्ट. ठीक है ना. तो मैग्नेट के जिस रीजन पे उसके मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, पोल. अब मैग्नेट में जो पोल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक क्या होता है नॉर्थ पोल और एक क्या होता है साउथ पोल. ठीक है ना. तो हम लोग जब किसकी बात करते हैं, नॉर्थ पोल की बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेट का वो पोल जो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे जब उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड करें. यानी कि फिर एक मैग्नेट के सेंटर में हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर मैंने एक क्या कर दिया, धागा बांध दिया, और इस धागे के ऊपर क्या करी, एक स्ट्रिंग ले लिया, और स्ट्रिंग से इस मैग्नेट को क्या कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया. इस स्ट्रिंग से क्या करा, मैग्नेट को क्या कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया. तो जो पोल किस पे पॉइंट करेगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ पे पॉइंट करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल. और जो पोल ज्योग्राफिक साउथ पे पॉइंट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल. तो हम लोग बोलेंगे दैट पोल ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ, दैट पोल ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड इज नॉर्थ पोल. और जो पोल क्या करेगा, दैट पोल ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इज इट्स साउथ पोल. चलो, ये जैसे क्या है, अर्थ है. ठीक है ना. तो अगर ये मेरी क्या है, अर्थ है, तो जो अर्थ की एक्सिस होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है, टिल्टेड रहती है इस तरीके से. ठीक है. ये तो ये अगर अर्थ का नॉर्थ है और ये अर्थ का साउथ है. ठीक है. तो इससे ही एक एंगल ऑफ डिप बनता है, कुछ इस तरीके से. ठीक है. अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो कि ये जो होता है ना, ये अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है. अब ऐसे में जब मैं कोई मैग्नेट को क्या करती हूँ, फ्रीली सस्पेंड करती हूँ, तो वो जो मैग्नेट है ना, वो इस एक्सिस के अलोंग इस तरीके से क्या करता है, अलाइन करता है. ठीक है ना. इस एक्सिस से अलाइन करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है, इधर पे कौन आ जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये कौन आ जाएगा, साउथ. तो हम लोग वो जो बोलते हैं ना कि जो नॉर्थ है वो साउथ से अट्रैक्ट होता है और जो साउथ है वो नॉर्थ से अट्रैक्ट होता है. तो ये जो मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ है, वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के उल्टा है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट के नॉर्थ को,
और जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है वो किसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट के साउथ साउथ को, को। और उस वजह से ये इस तरीके से क्या करता है, सस्पेंड करता है। अब किसी ने बोला था कि ये एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ पे आता है क्या, तो ऐसा नहीं होता। ये जो थोड़ा सा ये छोटा सा जो एंगल रहता है, इस एंगल का क्या होता है, फर्क होता है। क्लियर है क्या कहानी आई समझ में? ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें किसकी, मैग्नेट के, तो मैग्नेटिक मैग्नेट के आसपास का जो रीजन रहता है जहां पर मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट, इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस, इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अब सुनो, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। अब ऐसे में आप जब डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक होता जाएगा, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। आप कितना भी डिस्टेंस बढ़ा दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है, तो ये 0.00345 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। तो आप जैसे जैसे मैग्नेट से क्या करते जाओगे, दूर जाते जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। तो सपोज अगर मैंने यहाँ इस टेबल पे एक मैग्नेट रखा है, तो समझो ये यहाँ तक चैनल गेट तक और पीछे तक अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना लगा रहा है कि चीजें अट्रैक्ट हो रही है। इसके पार भी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बट हम लोग उसको बहुत डिस्टिंक्टिवली क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस। होगा सब जगह, लेकिन जैसे जैसे आपका डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फील्ड क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, और इतनी वीक हो जाएगी कि एक पॉइंट के बाद वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगी। बट पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई ऐसी विजिबल चीज तो है नहीं कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है या ग्रीन कलर की दिख रही है, ऐसे सही में दिखती है ऐसा नहीं दिख रही है। तो कोई ऐसी चीज है कि आपको कब समझ में आएगा, आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक रीजनेबल डिस्टेंस पे कोई आयरन का ऑब्जेक्ट रखोगे और वो आयरन का ऑब्जेक्ट उससे आके क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे केस में क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी होती है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पढ़नी होती है, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एक नया कंसेप्ट लेके आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, यानी कि ऐसी कोई फिजिकल लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो इमेजिनरी लाइंस होती है जो एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मुझे क्या करना है कि देखना है कि किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होती होगी, तो मैं क्या करूंगी, एक प्लेन पीस ऑफ पेपर ले लूंगी इस तरीके से, और इस प्लेन पीस ऑफ पेपर के सेंटर में, एकदम सेंटर पे क्या रख दूंगी, एक बार मैग्नेट रख दूंगी। ठीक है, अब बार मैग्नेट का अपना नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा, और इसके आसपास वाले रीजन में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दूंगी। ठीक है, आयरन फिलिंग्स क्या कर दूंगी, स्प्रिंकल कर दूंगी, छिड़क दूंगी, और इसको ऐसे टैप 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 करूंगी। जब मैं इसको ऐसे टैप 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 करूंगी, तो कुछ देर बाद मैं देखूंगी कि ये जो मैग्नेटिक, ये जो आयरन फिलिंग्स है, ये कुछ इस तरह के पैटर्न में क्या कर लेगी, खुद को अरेंज कर लेगी, और ये इस तरीके का जो पैटर्न है जिसमें मैग्नेटिक, ये जो आयरन फिलिंग्स है जिसमें ये खुद को क्या कर लेगी,
अरेंज कर लेगी। इस पैटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आया समझ में? बोलो कोई परेशानी। देखो हमने क्या किया, एक ड्राइंग शीट ली, एक ड्राइंग शीट पे क्या रख दिया, बार मैग्नेट रख दिया, और बार मैग्नेट के बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दी, बहुत सारी आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर दी। और फिर जब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे टैप 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 करेंगे, तो थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल इस तरीके के पैटर्न में, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का क्या है, इमेज है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से क्या करेगी, खुद को अरेंज कर लेगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक कहानी, ठीक है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ डू वी प्लॉट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, आता है बहुत बार, ठीक है ना, मतलब 5-6 साल में एक बार, तो हमें क्या लिखना है, पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है कि हम लोग क्या करेंगे, एक प्लांट के ऊपर एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे ड्राइंग पेन से, उसके ऊपर हम लोग क्या रख देंगे, बार मैग्नेट, उसके आसपास हम लोग क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देंगे, और आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करने के बाद हम लोग उसपे टैप 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 करेंगे, तो थोड़ी देर बाद हम लोग इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, बोलो कोई परेशानी। अब हम लोग देखेंगे कि यही लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर मुझे कैसे करनी हो, यूजिंग अ कंपास प्लॉट करनी हो, तो मैं कैसे करूंगी, मैं फिर से एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लूंगी, उसपे क्या करूंगी, एक बार मैग्नेट इस तरीके से रख दूंगी, ठीक है ना, जब मैं उस व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे एक बार मैग्नेट इस तरीके से रख दूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक कंपास ला के रखूंगी, क्या रखूंगी, कंपास, जैसे तुम्हारे फोन में भी होता है, ठीक है, और पहले घड़ियों में भी आता था कंपास डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक है, तो हमें पता है नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये जो कंपास का नॉर्थ होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर एक नया सबसे इस वाले नॉर्थ पोल को जितना दूर जाके अट्रैक्ट हो पाएगा उतना दूर चला जाएगा, और हम लोग बोलेंगे क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक नया नॉर्थ क्रिएट हो गया। फिर इसी कंपास को उठाकर, इसी कंपास को यहाँ से उठाकर अब मैं कहाँ रखूंगी, ये नए नॉर्थ पोल पे रखूंगी, जब इस कंपास को यहाँ से उठा के मैं नए नॉर्थ पोल पे रखूंगी, तो फिर नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक N2, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, S2। ऐसे करते 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 मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगी, साउथ, क्योंकि जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जो नॉर्थ है वो नॉर्थ से क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये प्रोसेस हम लोग कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हम लोग साउथ पोल तक ना पहुंच जाए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि हम लोग एक कंपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, तो कैसे प्लॉट करेंगे, एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर लेंगे, उसके सेंटर में क्या रख देंगे, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उधर पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंपास नीडल रखेंगे, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, तो कंपास नीडल का जो नॉर्थ वाला पॉइंट होगा, नॉर्थ पॉइंटर होगा, वो किस तरफ जाके आ जाएगा, एक नया नॉर्थ पोल क्रिएट कर लेगा, जिसको हम लोग क्या लेबल कर देंगे, N1। इस N1 पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस वहीं पे कंपास रखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ को फिर से क्या करेगा, रिपेल करते ही वही वाला, इसको बस उठा के आगे रख देंगे, ऐसे करते 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 ये रिपीट स्टेप क्या करेंगे, कब तक रिपीट करेंगे, जब तक हम लोग साउथ पोल तक नहीं पहुंच जाते और हमको हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं मिल जाती। इज दैट क्लियर? बोलो कोई परेशानी, आई समझ में कहानी?